Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss LKG Maths Worksheet Part 3. फ्रेंड्स, अगर आपको LKG क्लास का और भी वर्कशीट वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को जरूर देखें। आई होप उससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ मिसिंग है, बच्चा इन मिसिंग नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और फिल करेगा। जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 के बाद का सारा नंबर मिसिंग है तो बच्चा इसे आइडेंटिफाई करके फिल करेगा। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? 6। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इसी तरीके नेक्स्ट है 12, 12 के बाद का नंबर मिसिंग है तो बच्चा इसे फिल करेगा। 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को नंबर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ईच मल्टीप्लीकेशन टू द राइट आंसर टेबल ऑफ थ्री। यहाँ पे टेबल ऑफ थ्री का मल्टीप्लीकेशन मेथड दिया गया है, बच्चा उसे करेक्ट आंसर के साथ मैच करेगा। जैसे यहाँ दिया गया है 3 1 जा कितना होता है? 3, तो बच्चा इसे 3 के साथ मैच करेगा। 3 2 जा 6, तो बच्चा इसे 6 के साथ मैच करेगा। 3 3 जा 9, तो बच्चा 9 के साथ मैच किया। 3 4 जा 12, तो बच्चा इसे 12 के साथ मैच करेगा। 3 5 जा 15, तो बच्चा इसे 15 के साथ मैच करेगा। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को टेबल ऑफ थ्री के मल्टीप्लीकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द वन दैट इज बिगर क्रॉस द वन दैट इज स्मॉलर इन ईच रो। यहाँ पे प्रत्येक रो में कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इन पिक्चर्स में कुछ बिग है और कुछ स्मॉल है, तो जो बिग पिक्चर है बच्चा उसके नीचे टिक करेगा और जो स्मॉल पिक्चर है बच्चा उसके नीचे क्रॉस करेगा। तो जैसे फर्स्ट रो में अम्ब्रेला दिया गया है, जो पहला अम्ब्रेला है क्या है? वो बिग है, तो बच्चा उसके नीचे टिक करेगा, और जो दूसरा अम्ब्रेला क्या है? स्मॉल, तो बच्चा उसके नीचे क्रॉस करेगा। इसी तरीके 2 काइट दिया गया है, तो पहला काइट क्या है? स्मॉल, तो बच्चा उसके नीचे क्रॉस करेगा, और दूसरा काइट क्या है? बिग, तो बच्चा उसके नीचे टिक करेगा। इसी तरीके लीफ है, तो इन लीफ में कौन सा बिग है बच्चे ने आइडेंटिफाई किया और उसके नीचे टिक किया, और जो स्मॉल है उसके नीचे क्रॉस किया। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड मैच। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर्स को काउंट करके उसके करेक्ट नंबर के साथ मैच करेगा। तो जैसे पहला कौन सा पिक्चर है? ट्रायंगल का, तो हाउ मेनी ट्रायंगल? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है, तो बच्चा इन नंबर्स में से 4 नंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा। इसी तरीके दूसरा पिक्चर किसका है? स्टार का, हाउ मेनी स्टार? 1 2, तो बच्चा इन नंबर में से 2 नंबर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा। इसी तरीके स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा इन नंबर्स में से 6 नंबर्स को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा। सर्कल, हाउ मेनी सर्कल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चा इसे 8 नंबर के साथ मैच करेगा। इसी तरीके है हर्ट, हाउ मेनी हर्ट? 1 2 3 4 5, तो बच्चा इसे 5 नंबर के साथ मैच करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों को काउंट एंड मैच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बच्चे को उनके आफ्टर के नंबर्स को यहाँ पे राइट करना है। जैसे यहाँ 5 दिया गया है, 5 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? 6, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? 6। इसी तरीके 11 दिया गया है, 11 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? 12, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? 12। इसी तरीके है 25, 25 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? 26।
इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स बिटवीन। यहाँ पे बच्चों को बिटवीन के नंबर्स को फिल करना है, जैसे 9 और 11 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है, 10। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 10। इसी तरीके है 15 और 17 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है, 16। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 16। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स बिफोर। यहाँ पे बच्चा बिफोर के नंबर्स को राइट करेगा, तो 10 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 9। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 9। 19 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 18। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 18। 31 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 30। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 30। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स नेम दिए गए हैं, बच्चा इन नंबर्स नेम के नंबर को इस बॉक्स में राइट करेगा। तो जैसे पहला है ओ एन ई, क्या हो गया, 1। तो 1 बच्चा यहाँ पे राइट करेगा। टी डब्ल्यू ओ 2, 2 का वर्ड दिया गया है, तो बच्चा यहाँ पे 2 का नंबर राइट करेगा। इसी तरीके टी एच आर डबल ई 3, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 3। एफ ओ यू आर 4, तो बच्चा यहाँ 4 राइट करेगा। एफ आई वी ई 5, एस आई एक्स 6, एस ई वी ई एन 7। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को नंबर्स नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द शेप ऑन द लेफ्ट टू द करेक्ट नेम ऑन द राइट। यहाँ पे एक साइड में कुछ शेप्स दिए गए हैं और उनके अपोजिट साइड में शेप्स नेम दिए गए हैं। बच्चा इन शेप्स को आइडेंटिफाई करके उनके करेक्ट नेम के साथ मैच करेगा। तो जैसे पहला शेप्स क्या है, सर्कल। तो बच्चा इस लाइन में सर्कल को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा। इसी तरीके दूसरा क्या है, ट्राइंगल। तो बच्चा इस लाइन में ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा। देन रेक्टेंगल, तो बच्चा इस लाइन में रेक्टेंगल के साथ मैच करेगा। स्क्वायर, तो बच्चा इसे स्क्वायर के साथ मैच करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को शेप्स आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप उससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर एडिशन। यहां पे पिक्चर एडिशन दिया गया है, बच्चा इसे ऐड करके इस बॉक्स में राइट करेगा। तो जैसे यहाँ 1 बॉल है प्लस 1 बॉल, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1, 2। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 2। इसी तरीके नेक्स्ट है, यहाँ पे पेंसिल दिया गया है, हाउ मेनी पेंसिल, 1, 2 प्लस 1 पेंसिल, टोटल कितना पेंसिल हो गया, 1, 2, 3। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 3। इसी तरीके नेक्स्ट है काइट दिया गया है, पहले 1, 2, 3 काइट प्लस 1 काइट, टोटल कितने काइट हो गए, 1, 2, 3, 4। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, 4। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को पिक्चर एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।